भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सेना दिवस के मौके पर 15 जनवरी से 3 मार्च तक चलने वाले सैनिक सम्मान समारोह की मुहिम तेज कर दी है। इसी क्रम में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लॉक में शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने व उनका मनोबल बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को ब्लॉक परिसर में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शिरकत की। सम्मान समारोह में भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों को जो सम्मान और जो प्रतिष्ठा देश में दी है वो पूर्व में कभी किसी ने नहीं दी। आज प्रधानमंत्री जी यदि दीपावली मनाते हैं तो सरहद पर जाके सैनिकों के बीच मनाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी जन्मदिन मनाते हैं तो सैनिकों के बीच में जाके मनाते हैं। मैं जितनी भी वन रैंक वन पेंशन का नारा पिछले 40-45 साल से दिया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभालने के बाद वन रैंक वन पेंशन तत्काल लागू किया। इसके अलावा शहीदों का जब भी सब आता है पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में एक काबीना या एक राज्य मंत्री ज़रूर हमारा वहाँ पहुँचता है। 25 लाख रुपए के चेक भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाते हैं। केंद्र की सरकार की ओर से जो भी अनमन्य सुविधाएं हैं वो समस्त सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। और इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे अमर शहीद हैं उन सबके गांवों के नाम जो पक्के मार्ग से वो गांव जोड़े जाएंगे और उन पक्के मार्गों का नाम उन शहीद के नाम से होगा। पूरे गांव में जो भी सुविधाएं हैं चाहे सीसी की हो चाहे पेयजल की हो वो की उपलब्ध कराई जाएंगी। गांव में शहीदों के गांवों में इंटर कॉलेज भी स्थापित शहीदों के नाम से किए जाएंगे और उनके परिवारी जनों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जो भी शहीद पूर्व में है विगत 1.5 वर्ष से हो रहे हैं उनके परिवारी जनों को एक एक को सरकारी सेवा का लाभ दिया जाता है। मंत्री जी जैसा कि ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये काय गठबंधन क्या काय का है? देखिए जो अच्छी तरह से याद है 1994-95 में आदरणीय मायावती जी के साथ प्राण लेवा हमला हुआ था। जो महिला अब ये वो देश है यहाँ महिलाओं ने अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ महाभारत हुआ, यहाँ राम रावण का युद्ध हुआ। जो महिला स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं करना चाहती वो इस प्रदेश की और देश की क्या रक्षा करे? मंत्री जैसे जिनके मन में एक कहावत है सामन के अंधे को हरा हरा दिखता है वो खुद डरे हुए हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को भी यही समझते हैं ये डरे हुए। भारतीय जनता पार्टी को कतई डर नहीं। जब इस प्रदेश में 32% मतदाता में सरकार बना करती थी तब भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 43% से ऊपर मतदान आया था। और अब जो ये हो रहा है आप केवल परिवारों के गठबंधन से जनता नहीं मानती, जनता जानती है बहुत अच्छी तरह से लेकिन पिछले 5 वर्ष की सरकार में किस तरह से हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का किस तरह से दमन हुआ है, क्या उस दमन का कोई भी बदला आदरणीय BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुकाएंगी? क्या उस दमन का बदला
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुकाएंगे, वो जानते हैं इस बात को कि किस कदर उनको कुचला गया है, किस तरह उनका शोषण किया गया है, वो नहीं भूल सकते। उन्हें कोई मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ एक पिछली बार हमें 73 सीट मिली थी।